मजदूर है इसीलिए मजबूर है, या फिर वो मजबूर है इसीलिए मजदूर है। हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ कपिल शर्मा की मूवी जिवगार्ड टो की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट। गाइस, ये मूवी आज वर्ल्ड वाइड रिलीज कर दी गई है। और गाइस, ये मूवी कॉमेडी नहीं ड्रामा मूवी है। यस गाइस, कपिल शर्मा जो है वो तो कॉमेडी मूवीज के लिए और कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं, बट ये मूवी जो है ड्रामा फिल्म है, काफी ज्यादा सीरियस मूवी है और सेलिब्रिटीज को भी ये मूवी काफी ज्यादा पसंद आई है। और इस मूवी के जो रिव्यूज हैं वो भी काफी ज्यादा अच्छे आ रहे हैं, जिसके चलते लग रहा है कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई भी कर जाएगी। तो गाइस, ये मूवी बनी है नंदिता दास के डायरेक्शन में और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है समीर नैर ने। इस मूवी में कपिल शर्मा के साथ सहाना गोस्वामी नजर आ रही है। तो वहीं गाइस, ये मूवी 20 करोड़ रुपए के बजट में बनकर तैयार हुई है और इस मूवी ने रिलीज से पहले ही इतनी अच्छी रिकवरी कर ली है कि ये रिलीज से पहले ही काफी बड़े प्रॉफिट में है। यस गाइस, इस मूवी ने रिलीज से पहले 28 करोड़ रुपए की रिकवरी की और ये मूवी 8 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में ऑलरेडी है। और वहीं इस मूवी को 650 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। और वहीं अगर बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो गाइज ये मूवी अपने पहले दिन इंडियन नेट कलेक्शन कर सकती है लगभग 2 करोड़ रुपए का। तो वहीं इस मूवी का पहले दिन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आ रहा है लगभग 3 करोड़ रुपए। इसका इस पहला दिन और 3 करोड़ रुपए, और इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए लगभग 22 करोड़ रुपए की कमाई करनी होगी। तो गाइज, आप लोग क्या लगता है, कपिल शर्मा की ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट का टेक ले पाएगी या फिर नहीं? अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपको मिलती रहेगी चैनल पे हर मूवी की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।